हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का सीन ऐसा था, आज हमको जाना था मॉर्निंग राइड पे सुबह तो 5 बजे उठा मैं, देखा हल्की हल्की बारिश हो रही है तो कैंसिल हो गया, मैं सो गया दोबारा। शुभम को भी फ़ोन किया, शुभम कह रहा है बारिश हो रही है, पहाड़ों की साइड तो और ज़्यादा बारिश होती है, लैंडस्लाइड होता है, तो बारिश में जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी जस्ट उठाऊँ मैं, 10 बज रहे अब तो, बाकी हमको 10 दिन हो गए यहाँ पे, तो कैसे लग रहा है आपको? सही लग रहा है। सही लग रहा है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम वेकेशन पे आए हुए हैं, मतलब अपना घर नहीं लग रहा है, है ना? नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है वेकेशन पे आए हुए हैं, बस फिर चले जाएंगे हाँसी अपने घर वापस, क्योंकि बचपन से वहीं रहे हैं ना, तो सारी यादें वहीं की हैं। यहाँ ऐसा लग रहा है कि बस ऐसे ही कुछ दिनों के लिए आए हैं घूमने के लिए बस। और यो बता, नहीं क्या कर रहा है? और आ जा ऊपर, आ जा आ जा, थक जाएगा, पानी पिएगा भी। सुबह सुबह हम निकल पड़े हैं केले लेने के लिए। केले कैसे दिए? हम केले लेने के लिए आए हैं बस घर के पास ही, और यहीं इतने सारे लोग मिल गए। तो आज ब्रेकफास्ट के लिए मैंने मम्मी को बोला है कि मैं बनाऊंगा हेल्दी ब्रेकफास्ट। जैसे कि आपको पता है हमने शिफ्टिंग किया ना, तो अभी आधे ज़्यादा सामान तो खोला ही नहीं है, तो खाने पीने का थोड़ा बहुत गड़बड़ सा हो रहा है, बट ब्रेकफास्ट और स्नैक्स तो सॉल्वड है। एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है मेरे पास, पिंटोला पीनट बटर काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है एक हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाने में। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ आज हम ब्रेकफास्ट में बनाएंगे एक बढ़िया सी हेल्दी स्मूदी। इसके लिए कोई ज़्यादा तामझाम नहीं चाहिए, हमको सिर्फ 3 इन्ग्रीडियंट चाहिए, केले, मिल्क और पिंटोला पीनट बटर। पिंटोला का ये डार्क चॉकलेट पीनट बटर इतना यम एंड डिलीशियस है ना, और इसके बीच में रोस्टेड मूंगफली के क्रंचीज हैं, मतलब मजा आ जाता है खाने में। सिंपल रोस्टेड मूंगफली है जो काफी टेस्टी रहती है। अबे तू क्या चाट रहा है, खत्म करने क्या स्मूदी बनानी है? दोनों टेस्टी हो गए तो भाई सबके लिए स्मूदी बनानी है, ऐसे मत कर भाई, ऐसे खाता रहेगा तो पूरा दिन में एक डिब्बा खत्म हो जाएगा। ठीक है, पीयूसी इधर है, मम्मी पापा को देखिए, दोनों बताओ कैसे है? बढ़िया ना, चॉकलेट शेक, चॉकलेट शेक जैसा। अब हम भी पीते हैं, एक ग्लास साइला के लिए भी डाल दे। ये हम सबकी हेल्थ के लिए काफी बढ़िया है, इसमें प्रोटीन और फाइबर बहुत हैं, और कोलेस्ट्रॉल तो बिल्कुल भी नहीं है इसमें। तो आप भी अपनी फैमिली के साथ में ट्राई कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है पीनट बटर का। तो गाइस पोपट हो चुका है, साहिल की बिल्कुल नई बाइक का शीशा टूट चुका है। मेरी बाइक को 1 साल हो गया, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, और एक कल ही लाया और आज शीशा भी टूट गया। मैं तो चलाई भी नहीं भाई, चाहे जो भी हुआ भाई अपनी कोई गलती नहीं है। हाँ, अभी तक पूजा नहीं करवाई तूने, तो हमको लग रहा है किसी ने जानबूझ के तोड़ा है यहाँ पे आके, बिकॉज कल मैं चला के लाया था तो ठीक था, सुबह भी ठीक था, और अभी भी हमने देखा यार कैसे टूट रखा है पता नहीं, और कोई स्क्रैच भी नहीं है यहाँ पे, अगर लगा होता तो कहीं पे स्क्रैच तो होते हैं यहाँ पे, और मैं 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ, मेरे तो इतनी बार टकराया भी है, मेरा तो आज तक कभी टूटा नहीं है, तो मुझे लग रहा है जानबूझ के तोड़ा है। कैमरे में चेक करो। तो फिलहाल अभी हम कैमरे में देख रहे हैं कि बाइक के साथ में क्या हुआ था, पॉपकॉर्न वगैरह सब है हमारे पास, कोई ना कोई तो आएगा। तो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं, पहले तो इसकी पूजा कराएंगे और फिर इसका सीधा चेंज कराना है। दो हिस्से हो गए देखना, पता नहीं कैसे हुआ ये, पता ही नहीं चला हमको, हमने पूरा देखा, नई बाइक का काम कर दिया पता नहीं किसने, शीशा चेंज कराना पड़ेगा भाई, ये पूरा ही चेंज होगा, ये यहाँ से खुल के नया लगेगा। कहाँ बैठेगा? मेरी बाइक पे है, बताऊंगा तेरे को भाई, बताऊंगा तेरे को मैं, टूटी हुई बाइक में बैठा है, टूटी हुई बाइक में बैठा है, आगे स्वाद है टूटी हुई बाइक पे। तो मंदिर तो पहुँच गए और पंडित जी भी आ गए हैं, प्रणाम। ये ऐसे कैसे उठा के लाए हो आप, भारी नहीं लग रहा आपको? तो बाइक को मंदिर के अंदर रखना है। शांतिर ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः। एक ही बारी में फोड़ना है भाई, फेंक यू मत कहीं मेरे मुंह पे आगे लगे, तेज। तो मंदिर का काम तो हो गया, पूजा वूजा, अब KTM शोरूम चलते हैं ठीक करवाने। तो KTM शोरूम तो पहुंच गए हैं, तो शीशे का काम तो हुआ नहीं, वो कल होगा क्योंकि इनके पास अभी अवेलेबल नहीं है। फिलहाल अभी मार्केट जा रहे हैं, हमको रेनकोट लेने हैं 2, क्योंकि बारिश बहुत होती है यहाँ पे, तो हम पहाड़ों पे जाते हैं ना, तो शुभम आ रहा है, शुभम बताएगा कहाँ से हमको रेनकोट मिल जाएंगे। यहाँ पे रहने के लिए रेनकोट बहुत ज़रूरी है क्योंकि बारिश होती रहती है ना, तो हम बारिश में भी घूम सकते हैं अगर हमारे पास रेनकोट होगा तो। यहाँ से यू टर्न लेके जा रहे हैं ऊपर मॉल की साइड, साहिल और सोनू भैया तो वो बाइक लेके चले गए, बारिश का नाम लिया बारिश स्टार्ट। तो अभी दूसरी जगह आए हैं, देखते हैं यहाँ मिलता है तो, विशाल में तो मिला नहीं, तो रेनकोट हमको यहाँ भी नहीं मिले, पता नहीं कहाँ मिलेंगे, अब कहीं और जा रहे हैं। एक चीज़ के लिए हम इतनी देर से डोल रहे हैं, एक चीज़ के लिए,
तो बाइक हमने यहाँ पे लगा दी है बस स्टैंड पे, और इतना रश है ना यहाँ पे, तो मैं हेलमेट पहन के ही चलता हूँ। मार्केट में बाइक ले जाना ठीक नहीं है ना, पतली पतली गलियाँ। अरे भाई यहाँ तो बाइक जाएगी नहीं, मिल जाएगा यहाँ पे? सही है यार, पहले यहीं पे आ जाते। ये ठीक लग रहा है, इसे पानी नहीं जाएगा? डाल के दिखाना पानी, यही वाला दे दो फिर, यही वाला दे दो। हाँ मार्केट तो मस्त है यार, मतलब कहाँ मॉल में हमको मिला नहीं, यहाँ आते ही मिल गया। मॉल में सब खत्म। सही है, हम पैदल ही आ गए। ठीक है भाई ठीक है, एक ही है पूरा। ठीक है तो पीयूष के लिए भी ले लिया है रेनकोट, जो कि इसने हेलमेट में डाल लिया है। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, शो में लेके जाएगा कोई बढ़िया सी जगह पे। तो अभी हम यहाँ पे आए हैं, बैठने का सिस्टम बढ़िया है। तो अभी हमने मंगाया था थुप्पा, कैसा हो रहा है? बढ़िया बढ़िया है ना, चावल की तरह लग रहा है। तो सारे काम हो चुके हैं, फिलहाल अब हम जा रहे हैं वापस घर की साइड। मस्त थुप्पा खाया, मेरा तो पेट भर गया अच्छे से। बाकी मार्केट सही है यहाँ की। मैं तो लिटरली कितने टाइम के बाद इस तरह से मार्केट में जा रहा हूँ। तो बस स्टैंड तो पहुँच गए, यहाँ पे बाइक खड़ी करी थी, चलते हैं अब। ले पकड़ इसको, किसी ने स्कूटी फंसा रखी है। मार्केट में तो दिल्ली वाली फीलिंग आ गई, दिल्ली ऐसी मार्केट थी सेम। और ट्रैफिक तो बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे, जैसे कि दिख ही रहा होगा आपको। 6:49 हो गए हैं, 3 बजे हम घर से निकले थे, तो ऑलमोस्ट 4 घंटे होने वाले हैं हमको। बहुत देर से वेट कर रहे हैं हम लोग, कहीं गए थे क्या आज ब्लॉग? हाँ मार्केट गए थे, पूरी फैमिली बहुत फैन है अभी, तो काफी देर से वेट कर रहे हैं भैया भी, बहुत देर से खड़े हुए। बता भी नहीं सकती आपको मैं कितनी दोनों साथ ही खड़े हैं देखो। और ये नमस्ते करके दिखा दो। तो हम रेनकोट लेके आए हैं, पीयूष का रेनकोट तो सिंपल है, मेरा तो ब्लैक है। अम्मी दादी तो फिलहाल अभी डिनर टाइम है, आज भिंडी बनी है, भिंडी रोटी या ये वाली थाली ने, ये वाली प्लेट मेरी है मम्मी, ये वाली प्लेट मेरी है। निंजा टेक्निक स्वीट डिश में आज हमारे पास सेवई की खीर है, मजा आएगा। तो गाइस देखो इतनी सारी चॉकलेट है इसके पास, इतनी सारी, और फ्रिज पूरा भरा पड़ा है चॉकलेट से, चॉकलेट ही चॉकलेट पड़ी है। जो भी सब्सक्राइबर आते हैं चॉकलेट 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 देके जाते हैं, तो प्लीज गाइस इसके लिए चॉकलेट मत लाया करो, रोज चॉकलेट 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 खाया जाता है बस पूरा दिन, ठीक नहीं है चॉकलेट। प्लीज इसके लिए चॉकलेट मत लाया करो, प्लीज प्लीज मम्मी जी आप भी बोल दो चॉकलेट मत लाया करो प्लीज, चॉकलेट खा खा के इसके पेट में दिक्कत हो जाएगी। तो भी रात के 12:30 बज चुके हैं, एडिटिंग अपलोडिंग सब मेरी हो चुकी है, फिलहाल बस सारा सामान समेटूंगा और सोऊंगा, और कल मेरा प्लान है जाने का कहीं पे, देखते हैं जो भी रहेगा। आज तो जा नहीं पाए बिकॉज सुबह सुबह बारिश हो रही थी, कल भी देखेंगे बारिश रुकेगी तो चले जाएंगे। फिलहाल तो आज तो वैसे रेनकोट भी आ गया, अब तो कोई टेंशन नहीं, अगर बारिश वगैरह होगी तो रेनकोट डाल के चले जाएंगे। फिलहाल ओरियो पे भी स्नीस हो रहा है, ओरियो भी यहीं पे ही है फिलहाल में। फिलहाल इस व्लॉग को एंड करते हैं, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते गाइस जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। इसके लिए कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं चाहिए, सिंपल 3 केले और सीटी। अरे जुजा यार कर, खोल दे यार, बंद कर, हाँ दबा दे बस।